Next question. Question says a siren emitting a sound of frequency 800 Hz move away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. Then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff is, और हमें कहा है कि हम वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ 330 ले सकते हैं. अगेन सवाल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा. पहले आप सिचुएशन एक बार समझते हैं यहाँ पे. सो ये अपनी सिचुएशन है कि ये मान लीजिए आपकी कार है और ये कार v वेलोसिटी से इधर जा रही है और ये यहाँ पे आपकी कोई क्लिफ है और ये आपका ऑब्जर्वर है. राइट, इस कार ने साउंड को यहाँ पे इसने हॉर्न बजाया, साउंड यहाँ पे टकराया और टकरा के फिर ऑब्जर्वर के पास गया है. उस केस में सवाल ये है कि इसकी एफ डैश क्या होएगी अगर आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसकी एफ है तो. नाउ यहाँ पे ये सवाल डिफरेंट है. कुछ केसेस में हमें दो बार डॉपलर इफेक्ट लगाना पड़ता है. इस केस में नहीं होएगा बिकॉज उसके उन केसेस में हम ये कहते हैं कि इसका जो ड्राइवर है वही अगर इको को वापस सुनेगा तो उस केस में हमें दो बार डॉपलर इफेक्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन इस केस में नहीं. इस केस में एक बार डॉपलर इफेक्ट से अपना काम चल जाएगा. सो यहाँ पे अपना एफ डैश जो होएगा ये अपने को पता है, उसको हम लिखते हैं वी ऑफ जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाय एफ. ये आपका फॉर्मूला होता है. यहाँ पे आपके ऑब्जर्वर की स्पीड जीरो है तो ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा, बाकी डेटा रख के फाइनल वैल्यू आ जाएगी. वी आपकी यहाँ 330 है. सो ये हो गया 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज 800 दी हुई है 800 हर्ट्ज है. ऑलराइट, बस इसे कैलकुलेट करके अपना आंसर आ जाएगा. सो दिस विल बी 330 डिवाइडेड बाय 315 मल्टीप्लाइड बाय 800. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर 338 टाइप्स आ जाएगा ये. तो एफ डैश विल बी इक्वल टू 838 हर्ट्ज. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 838 would be the right answer.